लेकिन दोस्तों मैं हूं लिक्विड रिव्यू और आप देख रहे हैं टेक्निकली। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन आपको बताऊंगा जो आपके मोबाइल की स्क्रीन किसी और मोबाइल की स्क्रीन में शेयर कर सकते हैं जिसकी वजह से। सही है, तो यहाँ पे आज हम बेसिकली कैसी एप्लीकेशन की बात करेंगे जहाँ पे आप अपना मोबाइल जो है अपने मोबाइल पे जो है किसी का मोबाइल जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा, वो ये कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा, मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रही है या फिर थोड़ा बहुत स्लो हो गया हूँ। उसकी बेसिकली वजह ये थी कि यहाँ पे मेरे पेपर वगैरह भी अभी नज़दीक है, तो मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, पढ़ना होता है, तो यहाँ पे कुछ ये भी वजह है कि स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो और आपसे भी कुछ बातचीत चलती रहे, तो कुछ इस तरह का भी टाइम टेबल मैंने नहीं मैनेज किया कि आपसे जो है रेगुलरली मैं वीडियो देता रहूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि डेली बेस पर एक वीडियो लाजमी अपडेट आती रहे। यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने प्ले स्टोर में, आप आ जाइएगा अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पर दोस्तों प्ले स्टोर में आने के बाद है एनी डेस्क। यहाँ पर दोस्तों मेरा दूसरा मोबाइल अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको चला के दिखाता कि ये काम भी कैसे करती है। तो यहाँ पे आपने एनी डेस्क लिखना है और मैं इस एप्लीकेशन को पिछले तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल में, अपने पीसी में, अपनी हर जगह में। जैसे यहाँ पे मैं एक और एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ, वो है सर टीम व्यूअर। टीम व्यूअर को यहाँ पे सारे जानते हैं, टीम व्यूअर क्विक स्पोर्ट है, उसके बाद टीम व्यूअर है। और यहाँ पे टीम व्यूअर को टीम व्यूअर की मोबाइल पे एक्सेस के लिए आपको पहले टीम व्यूअर इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद टीम व्यूअर क्या कहते हैं टीम व्यूअर क्विक एक्सपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद जो आपका मोबाइल है उसका सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। मतलब 3 चीज़ें आपको इंस्टॉल करना पड़ती है, उसके बाद जो है टीम व्यूअर काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो एनी डेस्क है, एनी डेस्क की अगर बात करें हम लोग, एनी डेस्क, ओके सो एनी डेस्क आ चुका है। और एनी डेस्क की हम लोग बात करें तो आपको सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, 4.5 रेटिंग है जो कि बहुत ही कमाल की है, 500,000 लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, मतलब 5 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है जो कि बहुत ही कमाल की बात है। यहाँ पे कमेंट्स पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे लेटेस्ट नेटवर्क, ओके आई हैव अ प्रॉब्लम। यहाँ पे ये काफ़ी पुराना है, मतलब कि नया बिल्कुल भी नहीं है, और नए वर्जन पता नहीं क्या लोगों को प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मुझे इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ऑन कर लेते हैं, ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक आईडी मिलती है जो आपका एड्रेस होता है। यहाँ पे ऊपर जो आईडी आपको मिलती है वो है आपकी आईडी। अगर आप किसी को एक्सेस देना चाह रहे हैं अपने मोबाइल तक, तो आपको ये आईडी देनी होगी उसको, और वो बंदा जो है यहाँ पे रिमोट डेस्क के ऊपर अपनी आपकी आईडी लिखेगा, या फिर आप अपने मोबाइल पर किसी की एक्सेस लेना चाह रहे हैं तो वो अपनी आईडी यहाँ पे आपको लिखाएगा और कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो कनेक्ट पे क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल पर एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे हम लोग कॉल एक्सेप्ट करते हैं तो वैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा। कुछ ऑप्शन होंगे वहाँ पर एक्सेप्ट का और डिसेबल का, ठीक है, डिसलाइन का। तो आपने उसको कहना है एक्सेप्ट पे क्लिक करें, तो आपका जो है आपके हाथ में सारा उसके मोबाइल का जो है कंट्रोल आ जाएगा। कोई ऑनलाइन आप पढ़ाना चाह रहे हैं किसी चीज़, उसको कहीं कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो मेरे पास काफ़ी तरह से लोग हैं, काफ़ी तरह से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ इस तरह, और साथ ऑडियो कॉल चल रही होती है, और साथ जो है मैं इस तरह वीडियो में उनको सिखा रहा था कुछ ना कुछ, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं एडिटिंग के रिलेटेड मोबाइल पे हम लोग चलाते हैं, तो मैं इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो है उनको मोबाइल पे ही सिखा रहा होता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये आज का सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।